बॉलीवुड की इस कोरियोग्राफर सरोज खान जी ने कल इस दुनिया को 71 की एज पर अलविदा कहा। सभी बॉलीवुड सेलेब्स ने इस मौके पर उनकी फैमिली को कंडोलेंसेस दी और उनके साथ की अपनी हैप्पी मेमोरीज सोशल मीडिया पर शेयर की। अब सरोज खान जी की डॉटर सुकायना खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने हॉस्पिटल जाने से पहले सलमान खान के लिए प्रे किया था। जी हाँ, सरोज खान जी ने आखिरी बार नमाज पढ़ते हुए सलमान खान के लिए प्रे किया। सुकायना खान ने बताया कि सलमान खान उनकी मॉम सरोज खान जी और उनकी फैमिली का बहुत ध्यान रखा करते थे। सलमान ने सुकायना के बेटे की हार्ट सर्जरी के वक्त भी हेल्प की थी। सुकायना ने इंटरव्यू में बताया, आई स्टिल रिमेंबर अ वीक बिफोर शी गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, शी वेंट इन फॉर नमाज एंड व्हेन शी गॉट अप I asked her if she prayed for us. She said she obviously prayed for her family, but there was someone special she was praying for. Sukaina ne kaha, when I asked her who it was, she said it was Salman Khan. I looked at her and smiled. She told me that Salman sir is doing so much good for people around him, but he is always taken in the wrong, which is what I don't understand. He isn't bad and people should just let him be. She wished him a long life and happiness. आपको बता दें, खबरें आई थी कि सरोज जी और सलमान खान के बीच कुछ इश्यूज चल रहे थे। इस पर सुकायना ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर स्टिल सेइंग सच नेगेटिव थिंग्स अबाउट हिम। ही स्टैंड्स अप फॉर एवरीवन एंड हेल्प्स पीपल इन अ लॉट ऑफ वेज दैट अदर्स माइट नॉट नो अबाउट। सलमान खान एंड हिज टीम हैव बीन रियली काइंड एंड हेल्पफुल टू माई मदर एंड द एंटायर फैमिली।